नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। आइए रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। आजम खां के समर्थन में आई मायावती, बोली बीजेपी सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर पड़ा हादसा, ट्रक से बोलेरो की हुई टक्कर, 5 की हुई मौत। सीतापुर जेल से लखनऊ लाए जा रहे हैं सपा नेता आजम खां, सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी। ताजमहल के कमरों को खोलने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सर्वे की वीडियोग्राफी की मांग। डीजीपी मुकुल गोयल पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, पद से हटाकर भेजा गया डीजी नागरिक सुरक्षा। कमजोर हो रहा है समुद्री तूफान असानी, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में भारी बारिश जारी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पार्ट्स बनाएगी टोयोटा, घरेलू इस्तेमाल के साथ निर्यात पर भी फोकस। केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू करने का समय निर्धारित, सुबह 3 से 11 तक ही होगा प्रवेश। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला केस, तानाशाह किम जोन ने लगाया देशव्यापी लॉकडाउन। अब संस्कृत में भी कर पाएंगे आप गूगल ट्रांसलेशन, गूगल ने भोजपुरी सहित 8 भारतीय भाषाओं को जोड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।